Good morning, students. Yesterday we have started our first chapter, that is the world around us, and we have learned about natural things and man-made things. Do you remember? कल हम लोगों ने natural things और man-made things के बारे में पढ़ा था. आज हम continue करेंगे. Features of living things. Features माने विशेषताएं. विशेषताएं माने खास बात. उनमें living things में क्या स्पेशल बात होती है, क्या खास बात होती है, उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मीन्स अलग होती हैं. किन किन बातों में अलग होती हैं वो आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे हमें मालूम चलेगा. तो फर्स्ट जो फीचर है, फर्स्ट जो खास बात है लिविंग थिंग्स में, वो क्या है? लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन थ्रू नोज. फिश ब्रीथ through gills, plants breathe through tiny holes in the leaves called stomata, insects breathe through air holes on their body, non-living things do not breathe. ठीक, तो पहली विशेषता लिविंग थिंग्स की क्या होती है? दैट लिविंग थिंग्स ब्रीथ, की लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. सारी लिविंग थिंग्स को, जितनी भी लिविंग थिंग्स वर्ल्ड में हैं, उन सबको जिंदा रहने के लिए, टू लिव, जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. नीड माने ज़रूरत, एयर माने हवा. ठीक, सारी जितनी भी वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, उनको जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू नोज. जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स माने इंसान, है ना, जितने भी वर्ल्ड में मैन हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वो सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन थ्रू नोज. तो हम लोग जो इंसान हैं वो किससे सांस लेते हैं? नाक से. ठीक है, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो फिश होती है वो उनके जो बॉडी में एक पार्ट होता है गिल्स, उससे सांस लेती हैं. देखो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया है, ये जो पार्ट है ये ऐसे गोल सा, इसके नीचे से वो सांस लेती है, ये होते हैं गिल्स. ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? ये देखो, ये एक लीफ है और ये लीफ के नीचे वाला पोर्शन है, है ना. ऊपर से लीफ जो है वो एकदम स्मूथ होती है, एकदम चिकनी जैसी होती है, और नीचे की साइड से थोड़ी सी रफ होती है, और लीफ के नीचे की साइड में बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं. होल्स माने छेद. ठीक है, उनको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि हमने लीफ को उल्टा किया और हमें वो होल्स दिख जाएं, ऐसा नहीं है. वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम लेंस या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो वो उन होल्स की हेल्प से सांस लेती हैं, जो लीव्स होती है ना. प्लांट भी लिविंग थिंग है ना, तो जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. यहाँ देखो, इसको इतना पोर्शन केवल बड़ा करके दिखाया है, तो यहाँ पर ये होल दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना. तो इनको बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स. और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी पर छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, वो उनकी हेल्प से सांस लेते हैं. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं? इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, और जो फिश और इंसेक्ट्स, ये सब. तो ये सब अलग अलग बॉडी पार्ट्स इनके होते हैं जिससे ये सांस लेते हैं. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नोज़ की हेल्प से, फिश गिल्स की हेल्प से, प्लांट्स स्टोमेटा की हेल्प से, और इंसेक्ट्स एयर होल्स की हेल्प से सांस लेते हैं. ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं. क्यों? क्योंकि वो जिंदा ही नहीं होती हैं, उनके अंदर लाइफ नहीं होती है, इसलिए उन लोगों को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो लोग सांस नहीं लेते हैं. ठीक है,
यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत छोटी सी, उसको आपको करके देखना है खुद से, ठीक। पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज, अपना हाथ अपनी नोज के सामने रखना है। यू विल फील वार्म एयर टचिंग इट, आप थोड़ी देर बाद फील करोगे कि उस हाथ पर, आपके हाथ पर गर्म हवा, वार्म एयर माने गर्म हवा टच हो रही है। इट इज़ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर एंड हीट विच इज़ थ्रो आउट बाय लंग्स। थोड़ी देर बाद आप महसूस करोगे कि आपके हाथ पे गर्म हवा लग रही है, तो वो गर्म हवा क्या है? वो हवा है जो कि हम सांस लेने के बाद छोड़ देते हैं, है ना। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है और हीट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड माने एक गैस होती है, मॉइस्चर माने नमी होती है, और हीट माने गर्मी होती है, ठीक। जो और ये जो हवा होती है ये हमारे लंग्स छोड़ते हैं बाहर, जो कि नोज़ के थ्रू बाहर आ जाती है, नाक के रास्ते बाहर आती है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग खुद से करके देखेंगे, ठीक है।